दोस्तों ये सैमसंग का G2 मोबाइल है। देखिए इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। ये फोन जो है कस्टमर के हाथ से पानी में गिर गया था और इसमें देखिए टच वर्क नहीं कर रही और ये जो पावर का बटन है ये भी काम नहीं कर रहा। ये देखिए बैटरी लगाते ही फोन ऑन हो गया, तो इसका मतलब इसका बटन भी शॉर्ट है। तो चलिए दोस्तों फोन को खोल के चेक करते हैं। ये देखिए अभी भी इसमें जो है लिक्विड है। ये देखिए इस पावर आईसी में भी पानी गया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्लीन करना है जहां जहां पानी गया हुआ है। दोस्तों ये इसके डिस्प्ले का कनेक्टर है, ये देखिए इसमें भी पानी गया हुआ है, तो इसको भी पहले हम क्लीन कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं टच वर्क कर रहा है कि नहीं। दोस्तों अभी भी जो है टच वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों हम दूसरा फोल्डर देखेंगे लगा के। तो दोस्तों दूसरा फोल्डर लगा के देखा हमने, उसमें भी जो है सेम इशू है, इसमें भी जो है टच वर्क नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये जो है पीसी कनेक्टर है इसमें कौन कौन से टच के पॉइंट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों एक एक करके चेक करते हैं इनमें वैल्यू आ रही है कि नहीं। दोस्तों ये जो नोवा पॉइंट है देखिए इस पे वैल्यू नहीं आ रही और इसकी सप्लाई जो है ये जो मोसफेट आईसी है 4 पिन वाला इस पर आ रही है, ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर। तो देखिए इस पे जो है कोई भी वैल्यू नहीं आ रही और इस तरफ देखिए ग्राउंड का आ रहा है और इस तरफ वैल्यू नहीं आ रही। तो दोस्तों हमें ये जो आईसी है इसको चेंज करके देखना होगा। दोस्तों ये मेरे पे दूसरा मदरबोर्ड है, ये देखिए इसमें से जो है इस आईसी को हम निकाल के लगाएंगे। ये देखिए आईसी निकाल दी हमने। ये देखिए दोस्तों आईसी इंस्टॉल हो गई। अब हम इसे पैक करके चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों अब टच वर्क कर रहा है। ये देखिए तो दोस्तों इस मोबाइल में जो है पानी जाने की वजह से जो मोसफेट आईसी है ये खराब हो गया था, इसी वजह से जो है इस मोबाइल में टच वर्क नहीं कर रहा था। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।